हे hey दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स। व्हाट इज़ द नेम? सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, सो चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, बहुत सारे लोग जिनका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है, और जो लोग चाहते हैं कि अब एग्ज़ाम्स भी काफ़ी पास हैं, राइट, आपके पास लेस देन 30 डेज बचा है। इनफैक्ट आज अगर मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज़ 9th ऑफ अक्टूबर, सो आज से एग्जैक्ट आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, सो जिनके अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाए, उनके पास चांसेस नहीं है अब सर सारे चैप्टर्स कवर करने के, फिर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको कर ही लेने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है सर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अराउंड 10 से 15 मार्क्स का वेटेज तो होगा ही, 10 मिनिमम है, मैक्सिमम 15 से प्लस भी जा सकता है। एवरेज आता है इसका सर 13-14 मार्क्स। ठीक है, सो हर अटेम्प्ट में 13 से 14 मार्क्स आता है बच्चों इसका जो एवरेज है। चलिए शुरू करते हैं, काफ़ी अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहला चीज़, चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो पहले तो हम बेसिक समझते हैं सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट थिंग एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझेंगे। आप अपने आप को मानिए कि आप एक बिजनेसमैन है। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप गुड्स होल्ड करते हैं कस्टमर्स को, और बदले में आपको क्या मिलता है? मनी। अच्छा, आपके पास एक कस्टमर आया, ठीक है, आपने उसको कुछ गुड्स होल्ड किया, और वो कस्टमर आपको बोलता है कि वो आपको पैसा या तो आज दे देगा या तो 1 महीने बाद भी दे सकता है। अच्छा, अगर वो आपको ऑप्शन देता है कि आप कब पैसा लेना पसंद करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको गुड्स जो सोल्ड किया था वो ₹1000 का था, अब वो आपसे पूछ रहा है क्या अभी दे दूं या बाद में दे दूं, सो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि मुझे पैसा आज दे दीजिए। क्यों? आज पैसा मिलना ज़्यादा अच्छा है या फिर 1 महीने बाद पैसा मिले या 1 साल बाद पैसा मिले? सर, आज पैसा मिलना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? रीज़न क्या है? अगर मैं आपसे भी बोलूं कि चलो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने मैथ्स में अच्छे नंबर लेके आए तो मैं आपको ₹1000 गिफ्ट करूंगा, एक ऑप्शन ये है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन करूंगा, एक ऑप्शन ये है कि 5 साल बाद करूंगा, आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आज लेना। क्यों सर? 5 साल बाद जो ₹1000 मिलने वाले हैं वो उतने उतने वैल्यूएबल नहीं है मेरे लिए जितने आज मिलने हैं। सर, ऐसा क्यों? अगर आप ₹1000 देते हो, मान लो 500 की 2 नोट्स, आज भी 500 की 2 नोट्स देता हूँ तो उसकी वैल्यू 1000 ही होगी, 1 साल बाद या 5 साल बाद भी देता हूँ तो 5000 ही होगी, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि आज की वैल्यू ज़्यादा है? देर आर वेरियस फैक्टर्स जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। सबसे पहला आपका आता है रिस्क। आपने अपने कस्टमर को जो सोल्ड किया 1000 का गुड्स, अगर वो आज देता है तो आपका एक रिस्क खत्म कि चलो भाई उसका जो पैसा आना था वो आ चुका है। पर अगर आपने उसको ये ऑप्शन दे दिया कि हाँ 1 महीने बाद देना, हो सकता है 1 महीने बाद वो आपको ना दे पैसा, हो सकता है सर वो भाग जाए, हो सकता है वो आपका फ़ोन नहीं उठाए, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सर ये सारे रिस्क हैं कि आपका पैसा नहीं मिलेगा आपको। इस वजह से भी आप पैसा कब लेना पसंद करते हो सर? जितना जल्दी मिल जाए। बोलते हैं ना कि लक्ष्मी अगर आ रही हो तो रोकना नहीं चाहिए। क्यों सर? क्योंकि कुछ गारंटी नहीं, 1 महीने बाद फिर वो ना भी दे, सामने वाले का मन बदल जाए, उसके पास पैसे की कमी हो जाए 1 महीने बाद, आज देने को रेडी है तो आज ही ले लो। पहला चीज रिस्क। दूसरा इन्फ्लेशन। अगर आपने थोड़ा भी बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आप इन्फ्लेशन जानते होंगे कि सर आज जो चीज़ आप खरीद रहे हो 1000 रुपीज़ की, हो सकता है ईयर 1 के एंड में, माने कि आज से 1 साल बाद सर वो चीज़ महंगी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैं 1000 रुपीज़ आज देता है या कस्टमर आपको 1000 रुपीज़ आज देता है, तो आज उस 1000 से जो प्रोडक्ट आ सकते हैं 1 साल बाद हो सकता है वो प्रोडक्ट महंगे हो जाएं और उस 1000 में उतने प्रोडक्ट्स नहीं आए, तो क्या मनी की वैल्यू डाउन होती है फ्यूचर में? यस, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर कम आती है, कम हो जाती है परचेजिंग पावर। आप हो सकता है 1000 रुपीज़ में आज 2 टी-शर्ट्स ले सकते हैं, 1 साल बाद हो सकता है टी शर्ट्स के दाम बढ़ जाएं और आप एक साल बाद 1000 रुपीज़ का शायद एक ही टी शर्ट ले पाएं,
ऐसा भी हो सकता है। सेम टी शर्ट जो आज 500 का हो सकता है एक साल के बाद 700 का हो जाए। आज अगर आप एक टी शर्ट ले रहे थे तो आपके पास 500 रुपये बच रहे थे 1000 के बाद, लेकिन एक साल बाद जब आप टी शर्ट लोगे तो 1000 रुपीज पूरे यूज़ हो जाएंगे या उसमें से कम सेविंग होगी। तो आप समझ रहे हैं सर, रुपी का जो वैल्यूएशन है वो भी समय के साथ कम होता है किसी भी करेंसी का, क्योंकि सर इन्फ्लेशन आता है, मतलब चीज़ें महंगी होती हैं, और चीज़ें महंगी होती हैं तो आपकी जो मनी है उसकी जो पावर है उससे कुछ खरीदने का वो भी कम होता है। तो दूसरा आया इन्फ्लेशन, इसलिए भी आप पैसा आज लेना पसंद करते हो। सर थर्ड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? अगर आप बेसिक अकाउंट जानते हैं, अकाउंट्स में हम एसेट्स लिखते हैं, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, करेंट एसेट में भी इन्वेंट्री आती है, फिर अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स आता है, फिर आपका कैश आता है, आप उसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस में लिखते हैं। मतलब जो चीज़ जितनी लिक्विड होती है उसे नीचे लिखा जाता है और जो चीज़ जितनी नॉन लिक्विड होती है ऊपर। सर ये लिक्विड का मतलब क्या है? कौन सा एसेट कैश में जल्दी कन्वर्ट हो रहा है वो सबसे लिक्विड कहलाता है। अगर आप आज पैसा लेते हो तो आपका जो एसेट है आपके पास जो मिलने वाला है सेल करके दैट इज़ कैश, लेकिन अगर आप उसको एक महीने का क्रेडिट देते हो कि हाँ भाई मुझे 1 मंथ के बाद दे देना, तो आपको कैश नहीं मिलता आज, आज सिर्फ आपका एक डेटर्स क्रिएट होता है। तो डेटर्स ज़्यादा अच्छा एसेट है या कैश? सर कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, पर डेटर्स में रिस्क भी होता है सर। और डेटर्स के पैसे को आप यूज़ थोड़ी कर सकते हो, वो सिर्फ एक बुक की एंट्री है कि मुझे ये पैसा मिलने वाला है, क्या आप उसे आज यूज़ कर सकते हो? नो, पर कैश को आप यूज़ कर सकते हो। तो सर लिक्विडिटी होने से कैश यूजेबल कैश होता है। देखो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास असेट्स तो हैं, लेकिन हो सकता है यूजेबल असेट सारी ना हो। मैं बोलता हूँ मेरे पास एक एसेट है FD, 5 लाख की FD करी, बट क्या आप FD से आज कुछ परचेज कर सकते हो? नहीं सर, वो पैसा लॉक है बैंक के पास, 5 ईयर्स के बाद वो लिक्विड बनेगा, फिर मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो आपके पास कैश रखा हुआ वो तो लिक्विड होता है ना। इसी तरह अगर आपको एक महीने के बाद 1000 रुपीज मिलेगा उस कस्टमर से, उसे आप आज यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, आपने अपना कंजम्पशन डेफर किया, उसे कंज्यूम करके आज जो आप परचेज कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे, आपका कंजम्पशन डिले होगा। इसलिए लिक्विडिटी की वजह से भी आप आज पैसा लेना पसंद करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है अगर वो 1000 रुपीज आज ही आपको मिल जाते और आपको खर्च नहीं करने थे तो आप शायद उसे सेविंग अकाउंट या FD में डाल देते। अगर वो बैंक अकाउंट में है तो वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, अगर वो आपको पैसा मिला ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से अर्न करेगा? तो आज लेना आप इसलिए भी पसंद करते हो कि उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके फ्यूचर में उससे ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हो। वही 1000 रुपीज हो सकता है 1 ईयर में आपका 1080 रुपीज हो गया, 8% का आपको इंटरेस्ट मिल गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी ना कि अगर आज मुझे पैसा मिल गया होता तो मैं उसे कहीं इन्वेस्ट कर देता। उस अपॉर्चुनिटी को आप लॉस्ट कर रहे हो, उसकी भी कॉस्ट आ रही है। इसकी वजह से भी आप बोलते हो कि मुझे पैसा आज ही दे दो तो ज़्यादा बेटर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारे रीज़न है सर, इन सारे रीज़न से हम बोलते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आज जो मनी की वैल्यू है वो एक नेक्स्ट पीरियड में कम हो जाती है। तो देखते हैं स्टडी मटेरियल में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। स्टडी मटेरियल में टाइम वैल्यू के बारे में दिया हुआ है, द सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे। व्हाई सो? फ्यूचर में जो मनी मिलेगी वो कम वैल्यूएबल है देन टुडे। मैंने आपको अभी सारे रीजंस बताए, 1 मंथ के बाद जो 1000 मिलेगा और अभी जो 1000 मिल रहा है उसमें कौन ज्यादा वैल्यूएबल है? 1000 रुपीज टुडे। सो सम ऑफ मनी इज मोर वैल्यूएबल टुडे देन इट विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर इफ इट इज सेम वैल्यू। मतलब करेंसी सेम है, 1000 1000, 1000 1000, बट टाइम पीरियड का डिफरेंस आ रहा है। जितना जल्दी मिलेगा उतना उसका वैल्यू ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर? अच्छा, ये एक चीज़ हुआ। इससे सिर्फ आप इस चीज़ को समझो कि अलग अलग टाइमलाइन में अमाउंट जो पैसा होता है उसकी वर्थ अलग अलग होती है। हो सकता है करेंसी वैल्यू सेम है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको जो 1 मंथ बाद 1000 रुपीज़ मिलेगा उस नोट में आपको वो काट के पैसा देगा ना, आपको 1000 ही देगा, बट उसकी वर्थ जो आज है वो एक महीने बाद वो वर्थ नहीं रहेगी। अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो 1000 रुपीज़ कम वैल्यूएबल है विथ रिस्पेक्ट टू कि वो 1000 अगर आज मिल जाता। थोड़ा समझ में आ रहा है आपको?
क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, अ सम ऑफ मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल देन इट इज टुडे, ठीक है? मैंने जो रीजंस बताए उन रीजंस को अच्छे से समझ लो, रिस्क, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? रिस्क का मतलब सर हो सकता है वो पैसा मिले ही ना, इन्फ्लेशन का मतलब वही पैसे से एक समय के बाद कम चीज़ें खरीद पाऊंगा, पैसे की परचेसिंग पावर कम होती है। फिर अगला आता है आपका लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब सर मैं अपने कंजम्पशन को डिफर कर रहा हूँ, अगर पैसा आज होता तो आज ही खर्च कर पाता, उस राइट को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वही पैसा शायद मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था लेकिन क्योंकि आज नहीं मिला तो इन्वेस्ट नहीं किया, तो उससे जो इंटरेस्ट अर्न होता वो वाली अपॉर्चुनिटी का जो पैसा है वो लॉस्ट हो गया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हुआ मेरा क्या, दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है? इसका मतलब होता है